हेलो डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास सिक्स का हिंदी बुक है चैप्टर फाइव और इस चैप्टर का नाम है अमरनाथ की यात्रा अमरनाथ एक तीर्थ स्थल है जिस प्रकार से हमारे देश में और भी कई सारे तीर्थ स्थल है तो उन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से अमरनाथ भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वहाँ पर लोग जाते हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भगवान शिव का दर्शन करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वहाँ पे पहुँचने में कौन कौन सी जगह मिलता है किस तरह से हम लोग पहुँच सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयाँ आती है इससे संबंधित बातें इस चैप्टर में दिया हुआ है आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर देखते हैं मैं बहुत दिनों से भगवान अमरनाथ के दर्शनों की इच्छा हृदय में संजोए हुआ था इस वर्ष रक्षाबंधन के पावन पर्व पर वह शुभ अवसर आ ही गया बहुत दिनों से लेखक सोच रहा था कि मैं अमरनाथ की यात्रा पे जाऊं और भगवान शिव के दर्शन करूँ और उनकी सोच के अनुसार रक्षाबंधन के अवसर पर यह शुभ घड़ी आ ही गया दो अगस्त उन्नीस की रात को मैं अपने कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर मेल द्वारा पठानकोट के लिए चल पड़ा उसी तरह का समय निकाल के लेखक भी दो अगस्त उन्नीस की रात को अपने कुछ मित्रों के साथ ट्रेन के द्वारा निकल पड़ते हैं तो कश्मीर मेल एक ट्रेन है उससे निकलते हैं पठानकोट पहुंचते हैं लगभग आठ बजे पठानकोट पहुंच जाते हैं और नाश्ता करने के बाद डिलक्स बस के द्वारा श्रीनगर के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं माधोपुर बटोत बनिहाल होते हुए हमारी बस श्रीनगर की ओर चली जा रही थी तो श्रीनगर जाने के क्रम में ये सारे जगह पड़ते हैं मार्ग का दृश्य अत्यंत मनोरम था जब हमारी बस जवाहर सुरंग में से होकर गुजरी तब मानो ऐसा लगा कि हम किसी वायुयान में बैठकर पृथ्वी का विहंगम दृश्य देख रहे हों यह सुरंग पर्वत के शिखर से बहुत नीचे बनाई गई है इसकी लंबाई 1560 मीटर तथा ऊंचाई 15 फीट मतलब साढ़े चार मीटर है तो यहाँ पे मनोरम दृश्य वहाँ पे देखने को मिल रहा था अगर हम सारे कश्मीर की बात करें तो यह पूरी दुनिया में स्वर्ग का महत्व रखता है स्वर्ग जैसा सुंदर है तो अगर कश्मीर के किसी भी भाग में हम जाते हैं तो वैसे ही हमें सुंदरता दिखाई पड़ने लगती है और उसके कई ऐसे भाग हैं जो अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक हैं तो जब बस जवाहर सुरंग से गुजर रही थी तो उन्हें लगा कि जैसे हम कोई हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं दुर्गम दृश्य जो देखने को नहीं मिलता उस तरह का दृश्य दिखाई पड़ा यह सुरंग पर्वत से बहुत नीचे बनाई गई है और यह काफ़ी लंबा है पंद्रह मीटर लंबाई है इसका और ऊंचाई इसका 15 फीट मतलब साढ़े चार मीटर है पीर पंचाल पर्वतमाला को पार करने के बाद हमें श्रीनगर घाटी का सुहावना दृश्य देखने को मिला यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है कुछ ही समय में हम श्रीनगर जा पहुँचे पीर पंचाल पर्वत वहाँ रास्ते में मिलती है उसको पार करके श्रीनगर की घाटी पहुँचे और घाटी में काफ़ी सुंदर सा दृश्य दिखाई देने लगा वहाँ का दृश्य इतने सुंदर है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है और कुछ समय बाद वे लोग श्रीनगर पहुँच गए यहाँ से हम पहलगाम की ओर बढ़े अमरनाथ की यात्रा वस्तुता यहीं से आरंभ होती है वहाँ से जब श्रीनगर वे पहुँचे तो पहलगाम की ओर जाने लगे तो पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा शुरुआत होती है वहीं से शुरू होती है पहलगाम कश्मीर घाटी का सर्वाधिक मनोरम स्थान है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2200 मीटर है समुद्र तल से 2200 मीटर तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं जो बच्चे सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वे आसानी से समझ जाएंगे समुद्र तल मतलब आप समझ लीजिए कि समुद्र जहाँ पे उसका सबसे निचला बॉटम निचला भाग जो हो गया वहाँ से इसकी ऊंचाई 2200 मीटर बतलाया जा रहा है इस तरह से आप समझ सकते हैं ये पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है चंदनबाड़ी पहलगाम से जब चलना शुरू करते हैं यात्री लोग तो पहला जो पड़ाव मिलता है उसका नाम है चंदनबाड़ी तो यही चंदनबाड़ी का पिक्चर दिया हुआ है और इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है चारों और ऊँचे ऊँचे पर्वत खड़े हैं और बीच में लीदर नदी बहती है अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री यहीं पर एकत्रित होते हैं सबकी एक ही कामना होती है अमरनाथ जी के दर्शन अमरनाथ अमरावती नदी के दाएं तट पर स्थित है पहलगाम से यहां तक की यात्रा में तीन दिन लगते हैं और चौथे दिन यात्रियों को दर्शन करके लौटना होता है यह या यात्रा श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन सम्पन्न होती है तो जब वहाँ से चलना शुरू करते हैं तो चारों तरफ पर्वत ही दिखाई देते हैं एक वहाँ नदी है लीदर नदी वो बहती है और सभी यात्री वहाँ पे एकत्रित होते हैं और सबकी एक ही इच्छा होती है अमरनाथ जी के दर्शन तो अमरनाथ अमरावती नदी के दाएं किनारे पर स्थित है पहलगाम से अमरनाथ पहुँचने में तीन दिन लग जाते हैं और चौथे दिन वहाँ से यात्री दर्शन करके लौटना प्रारंभ करते हैं यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा मतलब सावन के पूर्णिमा जो रक्षाबंधन को होती है उसी दिन खत्म होता है उसी दिन दर्शन किया जाता है और उसके बाद वहाँ से लौटा जाता है तो इसका मतलब है कि आपको उससे चार दिन पहले चलना होगा तभी आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे पहलगाम से हम अन्य यात्रियों के साथ यात्रा पर चल पड़े सबसे आगे छड़ी साहब का जुलूस था कहते हैं यह छड़ी भृगु ऋषि की देन है और यात्रा में रक्षक है इसमें श्री अमरनाथ महादेव के पूजन के लिए नारियल पुष्प तथा सामग्री एवं एक ध्वज होता है अमरनाथ यात्रा का सारा मार्ग उतराई चढ़ाई का है और अत्यंत दुर्गम है जिससे यात्रियों को बहुत कठिनाई का अनुभव होता है हमारा पहला पड़ाव चंदनबाड़ी पर पड़ा यहाँ का अद्भुत मनोहारी दृश्य देखकर हमारा मन मयूर नाच उठा पहलगाम से जब यात्री चलते हैं पहलगाम से जब यात्रीगण चलते हैं तो सबसे पहले उनको एक जुलूस मिलता है जिसका नाम है छड़ी साहब तो यह भीरगु ऋषि की देन है यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है तो यहाँ पे भीरगू ऋषि दिया हुआ है आप इसके बारे में अलग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह जुलूस जो है एक रक्षक के रूप में काम करता है तो यहाँ से हमें नारियल पुष्प और अन्य चीज़ें मिल जाता है जो कि पूजा के काम आता है और यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि इसका पूरा जो रास्ता है उतराव चढ़ाव का रास्ता है और अत्यंत ही मुश्किल रास्ता है यात्रियों को उसमें चलने में काफ़ी परेशानी होती है काफ़ी कठिनाई का अनुभव होता है और चंदनबाड़ी पहला पड़ाव पड़ा जो कि पिक्चर हम आप लोगों को दिखाएँ वही चंदनबाड़ी पहला पड़ाव है और वहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक है सुंदर है हमारा मन मयूर नाच उठा मतलब इतने सारे सुंदर दृश्य को देख मन जो है मयूर की तरह नाच उठा इसका कहने का मतलब यही है आगे यहाँ पे दिया हुआ है चंदनबाड़ी में रात बिताकर हम लोग दूसरे पड़ाव शेषनाग के लिए चल दिए यह यात्रा का सबसे कठिन मार्ग है दूसरा पड़ाव जो है शेषनाग शेषनाग जगह है तो वहाँ पे रुकना है और यह यात्रा में सबसे कठिन मार्ग है कठिन रास्ता है सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें होता है इस मार्ग में पड़ने वाली पिसू घाटी का रास्ता बहुत ही चक्करदार है यहाँ पे एक घाटी दिया हुआ है जिसका नाम है पिसू घाटी और यहाँ पे एक झील दिया हुआ है शेषनाग का जो दूसरा पड़ाव है तो उसमें एक बड़ा सा झील यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके चारों ओर चक्करदार रास्ता है जिसमें लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी होता है काफ़ी परेशानी होने का कारण है कि रास्ता यहाँ पे पथरीला है नुकीले नुकीले पत्थर है यहाँ यात्रियों की चाल पिसुओं की भांति धीमी हो जाती है और शायद इसी कारण इस घाटी का नाम पिसु घाटी पड़ा हो तो यहाँ पे यात्री चलते चलते थकावट महसूस करने लगते हैं परेशानी होती है और उनकी चाल धीमी पड़ जाती है शायद इसीलिए पिसु घाटी इसका नाम दिया गया है पिसू धीरे धीरे चलते हैं उसी तरह यात्रियों की भी चाल धीमी हो जाती है यहाँ बिखरे पत्थरों के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कहते हैं एक बार महादेव के दर्शन के लिए जाते हुए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया इस युद्ध में दानवों की करारी हार हुई उन्हीं के अस्थि पंजर पत्थरों के रूप में यहाँ बिखेर पड़े हैं और आज भी वे यात्रियों को तंग कर रहे हैं वैसे राक्षसों की ये परंपरा ही रही है लोगों को तंग करना देवताओं से युद्ध करना तो एक बार इस तरह की कहानी दिया हुआ है कि पिसू घाटी में इतने सारे पत्थर क्यों हैं एक बार देवता और दानव दोनों महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे और दोनों रास्ते में भेंट गए उन दोनों की टक्कर हो गई तो भारी युद्ध हुआ और युद्ध में राक्षस मारे गए और उसी की अस्थि पंजर आज के समय में पत्थर के रूप में पड़े हुए हैं और यात्रियों को परेशान करते हैं शेषनाग झील इतनी स्वच्छ और निर्मल है कि कवियों ने इसे प्रकृति देवी के दर्पण की संज्ञा ही दे डाली है यह संसार की सर्वोत्तम झीलों में गिनी जाती है जुलाई अगस्त के महीने में जब बर्फ़ पिघलने लगती है तब इसमें बड़े बड़े हिमखंड तैरते दिखाई देते हैं शेषनाग झील यहाँ पे जो पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दिया काफ़ी बड़ी झील है और इसका पानी स्वच्छ निर्मल बहुत ही साफ़ है कई सारे कवियों ने इस पर कविताएँ लिखा है और इसको प्रकृति देवी के दर्पण का नाम दिया हुआ है और दुनिया में जितने भी सर्वोत्तम सबसे अच्छे झील हैं उनमें से यह भी एक अच्छा झील है और जब जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त में काफ़ी गर्मी पड़ती है बारिश का महीना होता है बारिश के महीने में भी गर्मी पड़ती रहती है तो उस समय बहुत सारे बर्फ़ पिघलने लगते हैं तो उसमें हिमखंड तैरते हुए दिखाई देते हैं मतलब बर्फ़ के टुकड़े उसमें बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े दिखाई देते हैं बर्फ़ पानी में कभी डूबती नहीं है आप लोगों को पता ही होगा वो पानी में तैरते रहता है शेषनाग पर भोजन तथा कुछ देर आराम करके हम पंचतरणी की ओर चल पड़े अब यहाँ पे ध्यान देना है शेषनाग जो है दूसरा पड़ाव है तो वहाँ पे ये लोग रुके भोजन किए थोड़ा देर आराम किए और फिर पंचतरणी की ओर निकल पड़े मतलब समझिए कि पंचतरणी तीसरा पड़ाव है अंतिम पड़ाव है यह या यात्रा का तीसरा पड़ाव है यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ के रंग बिरंगे फूल अपनी अनुपम शोभा से सभी का हृदय आकृष्ट कर रहे थे हम सावधानी पूर्वक ऊपर की ओर चढ़ते हुए वायुजन शिखर पर जा पहुँचे तो उस एक शिखर है जहाँ पे उसका नाम है वायुजन शिखर यह शिखर यात्रा के दौरान रास्ते में ही मिलता है तो सभी यात्री चढ़ाई करते करते सावधानी पूर्वक उस वायुजन शिखर पे जा पहुँचे जहाँ से महागुण शिखर को मार्ग जाता है यह या अमरनाथ यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई है अब इस शिखर से महागुण शिखर पे जाना है और यह अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन और सबसे ऊंची चढ़ाई है अमरनाथ बाबा की जय जयकार करते हुए जब हम महागुण शिखर पर पहुंचे तो कैलाश की अद्भुत रमणीय चोटी के दर्शन हुए जिसे देखकर क्षण भर के लिए हम अपनी थकावट भूल गए इस तरह चढ़ते उतरते हम पंचतरनी की घाटी में जा पहुँचे और वहाँ से चलते हुए सभी लोग महागुण शिखर में पहुँच गए तो कई बार थकावट होती है और लगता है कि अब चल नहीं पाएंगे तो वैसे स्थिति में बाबा की जय जयकार तो भगवान शंकर के नाम लेके और जय जयकार करते हैं लोगों में एक नई उत्साह एक नया ताकत आ जाता है और फिर वो आगे को चलते रहते हैं तो जब उस चोटी पर पहुँचे तो अद्भुत रमणीय दृश्य को देख कर वहाँ थोड़ी देर के लिए अपनी थकावट भूल गए और ऐसा होता है जब आप किसी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके पीछे कितनी कठिनाई आपको झेलनी पड़ी पल भर के लिए आप उसको भूल जाएंगे तो ऐसा हुआ और फिर वे चढ़ते उतरते पंचतरनी की देवघाटी में जा पहुँचे और ये उन लोगों का अंतिम पड़ाव था जहाँ पे वे लोग पहुँच गए पंचतरनी सिंधु नदी के तट पर एक अलौकिक घाटी है यहाँ यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव था अब यहाँ से अगर चलना शुरू करते हैं तो अमरनाथ जहाँ पे उन लोगों को पहुँचना है भगवान अमरनाथ का दर्शन हो जाएगा तो वे लोग पंचतरनी सिंधु नदी के तट पर पंचतरनी जो जगह है वो सिंधु नदी के तट पर है और वहाँ पर ये लोग पहुँच गए यहाँ सिंधु नदी पांच धाराओं में बटती है यही कारण है कि इसे पंचतरनी कहते हैं तो पंचतरनी जो है ये जगह क्योंकि सिंधु नदी पांच दिशाओं में बट जाती है इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंचतरनी ये देखिए यहाँ पे ये भव्य दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जगह जो है पंचतरनी नाम का जो जगह है वही है यहाँ पर लिखा हुआ है पंचतरणी तो अंतिम पड़ाव है यहाँ पर लोग आकर रुकते हैं और फिर यहाँ से चलना शुरू करते हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए यहाँ का जल बहुत ठंडा है लोक कथा है कि यहाँ भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था नृत्य के समय उनकी जटाएं खुल गई और सिंधु नदी पांच धाराओं में फूट पड़ी कई बार इस तरह का कहानी दिखाया जाता है बतलाया जाता है कि भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगते हैं उनके नृत्य को तांडव बोला जाता है तो जब वे नृत्य करते हैं तो सारा कुछ बर्बाद होने लगता है सारा कुछ ध्वस्त होने लगता है विनाश होने लगता है तो इसीलिए जब ऐसा स्थिति आता है तो फिर सारे देवता मिलकर उनको मनाते हैं और फिर उसको शांत रहने के लिए, के लिए कहते हैं क्योंकि उनका नृत्य करने का मतलब है कि वे गुस्से में हैं उनका प्रकोप पूरी सृष्टि पे पड़ने लगता है तो वे जब तांडव कर रहे थे तो वैसी स्थिति में उनकी जटा खुल जाती है और सिंधु नदी की पांच धाराएं फूट पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ से पांच धाराएं सिंधु नदी की फूटी हुई है यहाँ बहती अमरावती नदी में स्नान कर लगभग प्रातः साढ़े आठ बजे हमने अमरनाथ जी की गुफा में प्रवेश किया जैसा कि यहाँ पर लेखक बतला रहा है कि वहाँ का जो सौंदर्य था वहाँ का जो रमणीय दृश्य था उसको आँखों में भर कर वे लोग आगे बढ़े और भैरव पर्वत वहाँ का एक पर्वत है उसको भैरव पर्वत नाम दिया गया है और इसकी चढ़ाई जानलेवा मतलब ये सबसे ख़तरनाक चढ़ाई है इसमें और उसको जब पार करते हैं तो फिर आप अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाते हैं इसी प्रकार लेखक भी वहां पे अमरनाथ गुफा तक पहुंच गए और उसके बाद अमरावती नदी उसके तट पे ही स्थित है तो वहां पे उन लोगों ने सुबह नहा धोकर तैयार हुआ उसके बाद फिर अमरनाथ का गुफा जो है क्योंकि वो गुफा के अंदर ही है तो उस गुफा में उन लोग प्रवेश कर गए अमरनाथ एक बड़ी गुफा है जिसमें हिम का एक शिवलिंग है या चंद्रमा की कलाओं के साथ बनता बिगड़ता है ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा को यह शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है और फिर जैसे जैसे चंद्रमा घटता है वैसे वैसे यह भी घट जाता है जैसा कि यहाँ पे बतला रहा है अमरनाथ एक बहुत बड़ी गुफा है और जिसमें शिवलिंग बर्फ़ का शिवलिंग बनता और बिगड़ता है जिस प्रकार से चंद्रमा बड़ा होता जाता है उसी तरह से वो शिवलिंग भी बनता जाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है तो उस समय वो शिवलिंग भी पूरा बन तैयार हो जाता है फिर जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है वैसे वैसे वह शिवलिंग भी घट जाता है इस तरह से मतलब शिवलिंग बनता रहता है और फिर बिगड़ता रहता है तो उसी का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं पूर्णिमा के दिन पहुंचने का मतलब है कि हम पूरी शिवलिंग का दर्शन कर पाते हैं ये देखिए यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है ये बर्फ़ का शिवलिंग बना हुआ है इस गुफे में और लोग यहाँ पे जाकर इसका दर्शन करते हैं तो सावन पूर्णिमा में जाने का यही फ़ायदा मिलता है लोगों को कि पूर्णिमा के दिन चांद जो होता है वो पूरा गोलाकार होता है और ये शिवलिंग जो है वो पूरा बना हुआ होता है मैं उस गुफा में शिवलिंग के सम्मुख कुछ देर तक नतमस्तक खड़ा रहा वहाँ अपूर्व शांति थी पूजा अर्चना के बाद हम लोग गुफा से बाहर आ गए और फिर वापसी की तैयारी में जुट गए तो वहाँ पे लेखक पहुँचता है और कुछ देर नतमस्तक मतलब सिर झुकाकर और आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान लगा के खड़ा रहते हैं अपरू शांति मतलब उस प्रकार की शांति और दूसरे जगह हमें प्राप्त नहीं होता सोच से भी परे इतनी शांति वहाँ पर मिलती है उसके बाद वहाँ पर जो पूजा अर्चना किया जाता है वो सारा चीज़ करके उसके बाद लेखक बतला रहा है कि वे गुफा से बाहर आ गए और वहाँ से आने की तैयारी में जुट गए तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है आइए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले शब्दार्थ और जैसा कि इसमें हिंदी का हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दार्थ बताया हुआ रहता है इसको जरूर आप लोग एक दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है उत्तर दीजिए ये इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें क्या कह रहा है आप भी अपने माता पिता के साथ किसी यात्रा पर गए होंगे उसका वर्णन अपने शब्दों में करो जिस प्रकार ये लेखक अपने अनुभव को एक चैप्टर के रूप में शेयर किया है उसी तरह से आपको भी जब कहीं गए होंगे आप किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए तो उस समय आप कैसा अनुभव किए उसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है उसके बाद यहाँ पे भाषा अध्ययन का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है भाषा अध्ययन का मतलब व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है तो आप इसको विशेष करके पढ़ लेंगे और जहाँ पर भरने के लिए दिया गया है मैं आपको भर कर दे दूँगा क्वेश्चन नंबर टू जैसे कि यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है आशीर्वाद लिखा हुआ है तो यहां पे आशीर्वाद शुद्ध करके लिखना है यहां पे मैं आप लोगों को दे दूंगा इसके बाद यहां क्वेश्चन नंबर फाइव प्रकृति लिखा हुआ है प्रकृति से नए शब्द बनाना है प्र, प्राकृतिक हो गया और जैसे पर्वत से पर्वतीय हो जाएगा दर्शन से दर्शनीय दिया हुआ है पठन से पठनीय हो जाएगा तो आइए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर बना के दे देता हूं यह है चैप्टर फाइव का क्वेश्चन आंसर लेखक को अमरनाथ यात्रा का अवसर कब मिला 2 अगस्त उन्नीस को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लेखक को अमरनाथ की यात्रा पर जाने का अवसर मिला जवाहर सुरंग का दृश्य कैसा था लेखक को जवाहर सुरंग का दृश्य बड़ा विहंगम लगा यह सुरंग पर्वत के शिखर से बहुत नीचे बनाई गई है इसमें बस से यात्रा करने पर लगता है कि जैसे हवाई जहाज़ पर यात्रा कर रहे हैं अमरनाथ की यात्रा वस्तुतः कहाँ से प्रारंभ होती है श्रीनगर के आगे पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है क्वेश्चन नंबर फोर छड़ी साहब के जुलूस का वर्णन अपने शब्दों में करो पहलगाम से पैदल यात्रा में छड़ी साहब का जुलूस सबसे आगे चल रहा था कहा जाता है कि छड़ी साहब भृगु ऋषि की देन है और यात्रा में रक्षक है इसमें महादेव के पूजन के लिए नारियल पुष्प एवं सामग्री के साथ एक ध्वज रहता है पिस्सू घाटी का मार्ग कठिन क्यों बताया गया है पिस्सू घाटी का मार्ग पथरीला है यहाँ यात्रियों की चाल पिशुओं की तरह धीमी हो जाती है कहा जाता है यहाँ देवता और दानवों में युद्ध हुआ था दानवों की हड्डियाँ फैली हुई है उन्हीं के अस्थि पंजर पत्थरों के रूप में बिखरे पड़े हैं जो आज भी यात्रियों को तंग करते हैं शेषनाग झील की क्या विशेषता है शेषनाग की झील स्वच्छ और निर्मल है यह संसार की सर्वोत्तम झीलों में से एक है जुलाई अगस्त के महीने में बर्फ़ के बड़े बड़े हिमखंड इसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं कवियों ने इसे प्रकृति देवी के दर्पण की संज्ञा दी है पंचतरणी के बारे में पांच वाक्य लिखो पंचतरणी सिंधु नदी के तट पर एक अलौकिक घाटी है यह यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव है पंचतरणी का जल बहुत ठंडा है यहाँ भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था यहीं से सिंधु नदी पांच धाराओं में बट जाती है शिवलिंग कब बनकर तैयार हो जाता है शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार पूर्णिमा को बनकर तैयार हो जाता है आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अमरनाथ में कितने पड़ाव हैं अमरनाथ यात्रा में तीन पड़ाव हैं चंदनबाड़ी शेषनाग और पंचतरणी आगे दिया हुआ है भाषा अध्ययन व्याकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो गलत लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे आशीर्वाद यहाँ गलत लिखा हुआ है इसको शुद्ध किया हुआ है जो काले रंग में आपको दिखाई दे रहा है ये सब शुद्ध किया हुआ है और इसके बाद पाँच नंबर में दिया हुआ है नए शब्द बनाओ प्रकृति प्राकृतिक बुक में दिया हुआ है ये पहले से बना हुआ है और यहाँ तीन शब्द जो है दर्शन दर्शनीय पर्वत पर्वतीय पठन पठनीय इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं